नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ गन्ना खेती, जिसमें डालर चना की बुआई तो की है, साथ में गन्ना खेती। यह प्लाट फिक्स आज 40 दिन का हो चुका है, जिसमें क्या ट्रीटमेंट किया है मैं आपको संपूर्ण जानकारी दिखाता हूँ। देख सकते हो 40 दिन का प्लाट। किसान भाइयों, अब इसमें अभी तक तो ड्रिप से पानी दिया गया था डालर चने और साथ गन्ने में, लेकिन अब ओपन पानी चलाया जा रहा है। किसान भाइयों, इससे क्या होगा कि डालर चना का जो बीच में जो लाइन है वो उसमें भी पानी लग जाएगा, और जो गन्ना है गन्ने में भी पर्याप्त पानी लगेगा। अब इस जो लाइन है डालर चने की, इसको पानी देने की ज़रूरत है। देख सकते हो आप किसान भाइयों, इसका फोटो। किसान भाइयों, यह गन्ने की खेती 40 दिन के, इसमें पहले ड्रिप से यूरिया चलाया था 8 दिन के बाद लगाने की। वो मैंने एक पहले वीडियो बनाया है किस तरीके से लगाया है, आप देख सकते हो, जे सिंपल फार्मिंग पर। और इसके बाद 8 दिन, जो 16 दिन हो चुके, उसके 8 दिन बाद भी यूरिया और पोटाश, यूरिया पोटाश 1 एकड़ के लगभग 25 किलो यूरिया और 15 किलो पोटाश साथ में मिलाकर छिड़काव किया। ड्रिप से नहीं दिया, छिड़काव किया, फिर ड्रिप चलाई। किसान भाइयों, आप भी इस तरीके से करके एक अच्छा देख सकते हो, किसान भाइयों, एक अच्छे तरीके से फुटाव गन्ने के ले सकते हो। किसान भाइयों, इसको नाइट्रोजन देना ही बहुत ज़रूरी रहता है। जब इसका फुटाव होता है ज़मीन से बाहर, जब यह निकलता है तो इसको नाइट्रोजन जैसे ही मिलेगा यह बहुत तेज़ी से फुटाव करेगा। किसान भैया, देख सकते हो आप, पूरा प्लाट दिखाऊंगा मैं आपको। यह 1 हेक्टेयर का प्लाट है किसान भैया, गन्ने का फुटाव बहुत ही शानदार। यह COG 85 लगाया गया है गन्ना। किसान भाइयों, इसमें जो डालर चना है इसमें एक स्प्रे किया है 13-40-13 का, और बोरान और कैल्शियम साथ में मिलाकर, और गन्ने में खरपतवार मारने के लिए छनकार दवाई का स्प्रे किया है टोप लगाकर। जो टंकी, जो दवाई की टंकी रहती है उसकी नोजल पर एक टोपा लगाकर स्प्रे किया है, ताकि डालर चने जो है उस पर स्प्रे का प्रभाव नहीं पड़े और उस वह सूखे नहीं पौधे। इसलिए सिर्फ खरपतवार को नष्ट करना है तो आप टोप जरूर लगाए। और भी आप दुकानदार से पूछ सकते हो कि गन्ना खेती में कौन सी चारा मार दवाई आती है, तो आप स्प्रे कीजिए किसान भाइयों। और आप देख सकते हो प्लाट 1 हेक्टेयर का है, वो अभी 40 दिन का गन्ना हुआ है और 35 दिन का अपने डालर चना। अभी और भी आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा किसान भाइयों कि क्या ट्रीटमेंट किया है। अभी यह 40 दिन का, इसमें कुछ नहीं किया है किसान भाइयों, सिर्फ 15 किलो पोटाश एकड़ की, 25 किलो यूरिया एक बार, और एक बार पहले मतलब 2 बार 50 किलो यूरिया 1 एकड़ की 40 दिन में, और 15 किलो पोटाश। अब जब इसका आगे मैं ट्रीटमेंट करूँगा, ड्रिप से सिंचाई करूँगा इसकी, उसमें क्या फर्टिलाइज़र दूंगा, तो आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के जरिए बताऊंगा किसान भाइयों। तो और भी आपको जो इसका फुटाव है इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं देते रहूंगा, कि यह एक आँख से कितनी आँखें निकली है बाद में। और इसका कटिंग का प्लान चल रहा है हमारा, कि जो यह जो डीरी है इसको काटने का प्लान चल रहा है किसान भाइयों, यहाँ से। तो इसका भी मैं डेमो करके दिखाऊंगा आपको किसान भाइयों। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं अगले वीडियो को देखने के लिए किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आप बिल्कुल कम खर्च कीजिए, ज़्यादा खर्च ना कीजिए, कम खर्च में खेती करिए और उत्पादन अधिक लीजिए। इसमें मैं जैविक ट्रीटमेंट भी करूँगा, इसमें अभी गोबर खाद डालना है। इसमें लगाने के टाइम पे सुपर डाला हुआ था, तो किसान भाइयों आपको मैं बताता हूँ कि एक वीडियो डाला है उस पर संपूर्ण जानकारी है, पहले जब लगाया था तब। यह वीडियो 40 दिन बाद का है, अब मैं और भी आगे आपको दिखाते रहूँगा किसान भाइयों। आप जब तक चैनल पे बने रहे और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।